हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमारा जो चैप्टर था चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होने ही वाला है। और जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सारे के सारे कराए दिए हैं। आज की वीडियो में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें हमने जो जो अब तक किया है सारे के सारे हमारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे रिवेल्यूएशन अकाउंट भी बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे, बैलेंस शीट भी बना लेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लेंगे, रिजर्व का ट्रीटमेंट भी कर लेंगे, और इसी के साथ ही जो भी आपका गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो है वो भी हम निकाल के देख लेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, और क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो आपको करना होगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अशोक भीम एंड द चेतन वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। ये प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है तीन पार्टनर्स का। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलो। तो भी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 31 मार्च को बैलेंस शीट गिवन है तीनों ही पार्टनर की। यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। लाइबिलिटी में हमारे क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, और उसके बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। एसेट साइड में हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है और बैंक्स है। उसके बाद आगे नीचे आपके कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। देखिए आगे क्या गिवन है, अशोक भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो भाई उन्होंने डिसाइड किया कि भी फ्यूचर में भी अपना जो प्रॉफिट है उसको इक्वल बांटेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे चेंज हो चुका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2015। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड। तो भाई फिर अब उन्होंने डिसीजन लिया प्रॉफिट शेयर रेशियो को चेंज करने का। तो फिर अब उन्होंने आगे देखिए क्या यहाँ पे एग्रीमेंट किया कि गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल की वैल्यूएशन उन्होंने की और कहा कि भी 3 लाख की गुडविल है हमारी है। तो यहाँ पे हम जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और जो गेन करेगा उन दोनों का यहाँ पे गुडविल का हम जो हिस्सा निकाल के, और जो गेन करेगा वो देगा किसको देगा, जो सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। लैंड भी रिवैल्यूड एट ₹1,60,000। जो लैंड है उसका रिवैल्यूएशन हमने किया। तो भाई अब हमारी लैंड, देखिए लैंड एसेट साइड में देखिए 1 लाख की थी और अब रिवैल्यूएशन किया तो भाई लैंड की जो वैल्यू है वो निकल के आई 1,60,000, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारे क्या है, इंक्रीज इन एसेट है, इंक्रीज इन एसेट है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, अगर आपका प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और अगर आपको लॉस है तो फिर डेबिट करो रिवैल्यूएशन अकाउंट को। वहीं पे बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग पे हमने 6% डेप्रिशिएशन लगाया। तो डेप्रिशिएशन लगाने का मतलब क्या है, बिल्डिंग की वैल्यू है वो हमारी 6% से कम हो जाएगी। और बिल्डिंग की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। तो भाई 12,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे, अब उन पर क्लेम नहीं है इसलिए हमने उनको राइट ऑफ यहाँ पे कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई ये हमारे लिए फायदा हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, हमारी कम हो गई 12,000। हमें देखिए क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में देखिए कितने हैं, 1 लाख के हैं। अब हमें पता चला इसमें से 12,000 की तो हमें पेमेंट करनी ही नहीं, पेमेंट नहीं करनी, तो इसका मतलब हमारी जो लाइबिलिटीज है वो डिक्रीज हो गई 12,000 से, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, जब भी लाइबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब आगे हम बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स दिखाएंगे तो 12,000 से कम दिखाएंगे, 1 लाख में से 12,000 जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 88,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना, इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म है, न्यू फर्म जो आपने अभी यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन किया फर्म का, तो उसका आपको एक न्यू बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा, साथ के साथ हम सारे के सारे अकाउंट्स वो प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा और यहाँ पे हमारा अमाउंट, और इधर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। आपको पूरा डिटेल में अच्छे से करना, अपने हाथ से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, तो आपको पूरा अच्छे से करना है। उसके बाद फिर आप चाहे तो फिर ऐसे फटाफट कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख के, ठीक है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन उसको पूरे फॉर्मेट में कीजिए ताकि फिर आगे जो फाइनल एग्जाम हो उस टाइम आप कोई भी गलती ना करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे, साथ के साथ हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो तीन पार्टनर है हमारे, तो तीन पार्टनर है तो भी तीन कॉलम बना लो, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे ही फिर इधर बना लो 1, 2 और 3,
हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीन पार्टनर है, कौन कौन है, अशोक, भीम और चेतन। तो मैं ए बी सी लिख देती हूँ, अशोक भीम चेतन, अशोक भीम चेतन। और यहाँ पे हमारा वही फिर से पर्टिकुलर पर्टिकुलर। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्या स्टेप फॉलो करने है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है ना, उसके जो बैलेंस है ना, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे साथ के साथ, बैलेंस शीट हम लास्ट में बना लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेंगे बैलेंस शीट, इधर आ जाएगी हमारी बैलेंस शीट पूरा, आपको प्रॉपर लिखना बैलेंस शीट, फिर नीचे लिखना एज एट 1 अप्रैल 2015, ठीक है, एज एट 1 अप्रैल 2000, क्योंकि 1 अप्रैल से ही उन्होंने चेंज किया ना, तो 1 अप्रैल को अब हम बताएंगे कि भी हमारी बैलेंस शीट है उसमें हमारे ये बैलेंसिंग गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल जो बैलेंस गिवन है, कैपिटल जो गिवन है, वो आप यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बी डी। अब देखिए, जो ए जो अशोक है उसकी कैपिटल है 2 लाख, भीम है उसकी कैपिटल है 1 लाख, और चेतन है उसके 50,000, ठीक है। तो 2 लाख, 2 लाख है ए की, 1 लाख है बी की मीन्स भीम की, और 50,000 है किसकी, चेतन की, ठीक है। आपने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद अब आप बैलेंस शीट में चेक कीजिए और उसमें देखिए कि भी हमें पार्टनर्स को क्या क्या देना, क्या क्या नहीं। अगर जनरल रिजर्व वगैरह कुछ इस तरह के, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो उसको आप यहाँ पे बांट दीजिए। हाँ, लेकिन उसके रिगार्डिंग आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लेना, क्या भाई इन रिजर्व्स के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना, अगर नहीं गिवन है तो फिर इसका मतलब है कि भाई जनरल रिजर्व है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका जनरल रिजर्व गिवन है कितने का, 60,000 का। तो 60,000 का जो जनरल रिजर्व, उसके रिगार्डिंग कोई भी आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या मान के चलेंगे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व, अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है कि भी रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट हमें करना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, रिजर्व को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो अब रिजर्व को हम बांट देंगे, हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे बाय रिजर्व, ठीक है। तो जो रिजर्व है हमारा वो कितने का, 60,000 का रिजर्व है आपका, 60,000 का। किस रेशियो में, जो इनका ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो था आपका 3:2, तो 60,000 को हम यहाँ पे 3:2:1 के रेशियो में हम बांट देंगे। तो ए को कितना मिलेगा, 30,000, बी को कितना मिलेगा, 20,000, और सी को कितना मिलेगा, 10,000। तो आपने जो रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व लिख के। अब उसके बाद देखिए, अब और तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। अब हमारा, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, में था आपका क्या गिवन था कि भी जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया है, और जो गुडविल की वैल्यू है वो 3 लाख निकल के आई है। तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें जो गेनिंग है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में आपको अच्छे से क्लियरली, ठीक है, वर्किंग नोट आपको बनाना है, और उसमें अब आपको अच्छे से क्लियरली यहाँ पे दिखाना है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। तो भाई सेक्रीफाइस रेशियो के फॉर्मूले से मैं निकालती हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हम माइनस करेंगे। तो पहले हम अशोक का निकालते हैं, अशोक का अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालती हूँ, तो अशोक का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1, ये क्या है, ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो अब इनका क्या हो चुका है, अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये इक्वली शेयर करेंगे, इक्वल का मतलब है भी बराबर बांट लेंगे, 1:1 इनका हो जाएगा यहाँ पे शेयर, ठीक है। 1:1 क्या हो जाएगा इनका शेयर, था ना क्वेश्चन में कि ये देर ये यहाँ पे आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में रीड किया होगा, ठीक है। फ्यूचर विद इफेक्ट चेतन शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो अब देखिए, अशोक का हमारा कितना, 3/6 माइनस न्यू रेशियो क्या हो चुका है, 1/3। तो यहाँ पे जब एलसीएम लूंगी मैं 6 और 2, तो यहाँ पे 1/6 आया, पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स यहाँ पे अशोक ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, ठीक है। ऐसे ही फिर अब हम भीम का निकाल लेंगे, भीम का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6, और इसी के साथ ही यहाँ पे भीम का न्यू रेशियो क्या निकल के आया, 1/3। फिर से हमने एलसीएम निकाला, 6 आया, और यहाँ पे 2 और 3 2 = 6, तो 0। इट मीन्स जो भीम है उसने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन, इसका मतलब उसका भी शेयर है वो सेम है, जितना उसको पहले मिलता था अभी उसको उतना ही मिलेगा। उसके बाद है चेतन, ठीक है। चेतन का अब देखिए, चेतन का पहले कितना था, 1/6, ओल्ड रेशियो था 1/6, ठीक है। न्यू रेशियो अब उसका कितना हो चुका है, 1/3। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 6 1, और यहाँ पे 2, माइनस 1/6 आया। माइनस 1/6 का मतलब क्या है, चेतन ने क्या किया, गेन किया, ठीक है।
यहाँ पे जो अशोक है, अशोक ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है, और वहीं पे चेतन ने क्या किया है, गेन किया है। इसका मतलब जो पार्टनर गेन करेगा, अब वो जो गुडविल का जितना उसने गेन किया, गुडविल का उतना हिस्सा लेके आएगा और किसको देगा, जिसने सेक्रीफाइस किया। इट मीन्स सी लेके आएगा और किसको देगा, ए को देगा। तो सी लेके आने का मतलब क्या है, सी कैपिटल अकाउंट अब डेबिट होगा और ए कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ए को मिलेगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अब देख किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हम लिखेंगे बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय चेतन कैपिटल अकाउंट। अब कितना हिस्सा, अब हमारी गुडविल कितनी है, 3 लाख की गुडविल कितनी है, 3 लाख की। गेन कितना किया है चेतन ने, 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दो, 50,000 शेयर निकला, तो 50,000 रुपये अब सी लेके आया, तो सी की कैपिटल डेबिट होगी और ए को मिलेंगे, ए की कैपिटल क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में बाय सीज कैपिटल, सी का मतलब है चेतन, ठीक है, तो मैं ए बी सी बोलूंगी, तो कन्फ्यूज मत होना। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए को मिलेंगे 50,000, तो ए के यहाँ पे आ जाएंगे 50,000। आई बात समझ में? और वहीं पे अब आपको, आप जब क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ऐसे नहीं करना है सीज कैपिटल, आपको पूरा लिखना पड़ेगा चेतन, ठीक है। ये तो मैं वैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, बट आपको ऐसा पूरा लिखना, अशोक भीम और चेतन। अब देखिए, अब सी देगा ना, सी का कैपिटल हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे अब वो किसको देगा, ए को। मैं भी पूरा ही लिख देती हूँ, चलो, टू अशोक कैपिटल अकाउंट, टू अशोक कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आएगा आपका बाय चेतन कैपिटल अकाउंट। और अब चेतन ने दिया है तो कितना दिया, 50,000, इसलिए इसकी डेबिट साइड में आ गया आपका 50,000, ठीक है। अब ये हमने गुडविल की भी कर दी। अब देखिए, अब एडजस्टमेंट में हमारा क्या गिवन था, अब हमारा रिवेल्युएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे दिया है कि लैंड है उसका रिवेल्युएशन किया, लैंड का रिवेल्युएशन, रिवेल्यूड हमने जब लैंड की, ठीक है, तो वो 1,60,000 की निकली। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जो लैंड है उसकी वैल्यू है उसमें इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, तो हम क्रेडिट करेंगे, तो हम लिख के दिखाएंगे यहाँ पे बाय लैंड। हमारी बैलेंस शीट में जो लैंड है 1,00,000 की गिवन है, बट हमने जब रिवेल्युएशन उसका किया तो 1,60,000 की निकली, तो 60,000 से यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्रेडिट साइड में हमारा आएगा। ये मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन समझाया था तब भी। बिल्डिंग हमने को हमने डेप्रिशिएट किया 10% से, बिल्डिंग की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 1,00,000, ठीक है। देखिए, जो बिल्डिंग है वो कितनी गिवन है, 1,00,000 की, और उस पर 6% हमने क्या लगा दिया, डेप्रिशिएशन। तो 6% डेप्रिशिएशन लगाने का मतलब क्या है, 6% से उसकी वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो आप 1,00,000 का जब 6% यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा, 6,000। तो भाई, अब जो 1,00,000 की बिल्डिंग है उस पर 6,000 हमने डेप्रिशिएशन लगा दिया, इट मीन्स अब उसकी वैल्यू है 94,000 हो गई। ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो भाई, वैल्यू अगर, जो हमारी एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो हमें लॉस होगा, तो वो हमारा आएगा डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे जो हमारी डेबिट साइड है, अब आप इसमें लिख के दिखाओगे कि भाई 6,000 का डेप्रिशिएशन लगा और इस वजह से जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कम हुई है, कितने से, 6,000 से, ठीक है। ये भी हो गया हमारा बिल्डिंग का। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट था, फिर क्रेडिटर थे 12,000 की, जिसकी हमें पेमेंट नहीं करनी। अब ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, ये हमारा क्या बना, ये बना कि भाई हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अब 12,000 से हमारी लाइबिलिटीज है वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स है वो हमारे 12,000 से कम हो चुकी है, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं बचा, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, लैंड का हमने कर लिया, बिल्डिंग का हमने कर लिया, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी गिवन थी और जो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग थी वो भी हमने कर ली। इट मीन्स हमने पूरा कर लिया, इसी के साथ ही हमने गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप जो जो अब बचा हुआ अब उसके अकॉर्डिंग कर लो, अब यहाँ पे तो और कुछ आएगा नहीं। इट मीन्स अब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग कर लूँगी, तो यहाँ का मेरा जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तो ये आएगा मेरा 72,000 टोटल। तो इट मीन्स मेरी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है रिवेल्युएशन अकाउंट की, तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो 72,000 में से जब मैं 6,000 माइनस करूंगी तो 66 मेरा आएगा बैलेंस, ये मेरा क्या प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो होगा रिवेल्युएशन पर, या फिर गेन जो होगा, गेन ऑन रिवेल्युएशन, उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू गेन ऑन रिवेल्युएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स हमारे कौन है, अशोक भीम और चेतन। तो अशोक कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट और चेतन कैपिटल अकाउंट, और कितना जाएगा, जो ये जो 66,000 है उनके जो ओल्ड रेशियो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो अशोक के हिस्से में आएगा 33,000, जो भीम है उसके हिस्से में आएगा 22,000 और चेतन के हिस्से में आएगा 11,000। 66,000 को आपको 3:2, 2:1, ये ना ओल्ड रेशियो,
3:2:1 में आपको डिवाइड करना है, तो इस तरह से आएगा। अब देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हमने क्रेडिट किया, ठीक है, तो क्रेडिट किया, तो अब रिवेल्युएशन पे अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय रिवेल्युएशन अकाउंट हम लिख के दिखाएंगे, बाय रिवेल्युएशन अकाउंट। तो कितना आया, अशोक के हिस्से में था 33,000, भीम के हिस्से में था 22,000 और यहाँ पे चेतन के हिस्से में था 11,000, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया। अब उसके बाद अब हमारा ये रिवेल्युएशन अकाउंट तो हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका रिवेल्युएशन अकाउंट हो चुका। अब जब हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसमें भी हमने ब्रोड बैलेंस हमने डाल दिए थे, रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया, इसी के साथ ही हमारा गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो चुका है और अब हमने जो रिवेल्युएशन है वो भी कर दिया। तो अब यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अब इधर का क्रेडिट साइड का भी और डेबिट साइड का भी आप यहाँ पे टोटल कर दोगे, तो जो अशोक है, अशोक का जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे 2,30,000 और 33,000, ठीक है, तो इसका टोटल आएगा आपका 3,13,000। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आएगा 3,13,000। ऐसे ही फिर आप जो भीम है, भीम का जब आप टोटल करोगे तो 1,20,000 और 22,000, तो 1,42,000 यहाँ पे जो टोटल आएगा 1,42,000 आपका आएगा। फिर आप जो चेतन है, चेतन का टोटल करोगे 50,000, 10,000 और 11,000, इसको ऐड करोगे तो 71,000 आएगा, ठीक है, 71,000। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, ठीक है। अब ए का कितना, ए का तो पूरा ही इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस साइड कोई बैलेंसिंग है नहीं, तो पूरा 3,13,000। और यहाँ पे कितना आएगा, भीम का भी हमारा पूरा आ जाएगा 1,22,000। अब चेतन का हम कैसे निकालेंगे, 71,000 में से हम माइनस करेंगे हमारा कितना 50, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21,000। तो इस तरह से फिर आप यहाँ पे टोटल करके दिखा दोगे, तो हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन गया और रिवेल्युएशन अकाउंट भी बन चुका है। अब हमारा नंबर है बैलेंस शीट बनाने का, तो चलिए अब बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट अभी यहाँ पे हम बना लेंगे, तो ये रही बैलेंस शीट, वही देखो। अब ये हमारी बैलेंस शीट, ये हमारी लाइबिलिटी साइड और इधर ये हो जाएगी हमारी एसेट, ठीक है, ये हो जाएगी एसेट। अब उसके बाद देखिए, देखना एक बार, दिखाई दे रहा है ना, एक मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ दिख रहा है। अब देखो उसके बाद देखिए, अब आपको बैलेंस शीट है जो वहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है वही चेक करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड की बात करती हूँ, तो आपके क्रेडिटर्स गिवन थे, लाइबिलिटी साइड में थे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आप लिखोगे। अब देखिए आपकी बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स गिवन थे वो थे आपके कितने के, 1,00,000 के, लेकिन अब 12,000 की तो हमें पेमेंट नहीं कर ली, तो अब हम क्रेडिटर्स को कितने से दिखाएंगे, 1,00,000 में से, 1,00,000 में से आप माइनस करोगे 12,000, 1,00,000 में से माइनस करोगे 12,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका अमाउंट 88,000। अब आपके क्रेडिटर कितने के हैं, 88,000 के। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, फिर हमारा बैलेंस शीट में गिवन था आपका बिल्स पेबल, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का हमारा यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज हमारे कितने आ जाएंगे, 40,000 के, बिल्स पेबल आ जाएगा हमारा 40,000 का। उसके बाद थे हमारे यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल्स गिवन थी ना इनकी, अशोक की, भीम की, अशोक की, भीम की और चेतन की, तो अब कैपिटल के बैलेंसेज ये रहे हमारे, ठीक है, हमने एडजस्टमेंट कर ली। तो अशोक की कितनी है, 3,13,000, भीम की कितनी है, 1,42,000 और चेतन की कितनी है, 21,000। तो ये रही भाई आपकी कैपिटल, तो कैपिटल आप दिखा दोगे, तो टोटल कैपिटल का यहाँ पे करोगे तो 4,76,000 आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं एसेट साइड पे, एसेट में हमारा गिवन था लैंड, एसेट में था हमारा लैंड, लैंड हमारी 1,00,000 की गिवन है बैलेंस शीट में, बट 60,000 से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो अब हम लैंड को दिखाएंगे 1,60,000 से। उसके बाद हमारी क्या थी, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग पे हमारा डेप्रिसिएशन लगा, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा 6,000 का, 1,00,000 में से 6 गए, तो बिल्डिंग अब हमारी हो चुकी है 94,000 की। उसके बाद और हमारा क्या था, प्लांट था हमारा गिवन 2,00,000 का, फिर हमारा स्टॉक 80 का, और डेटर है और बैंक, क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं है तो इनको एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब हमारा प्लांट है, प्लांट कितने का है, 2,00,000 का, प्लांट के बाद हमारा क्या है, स्टॉक है, डेटर और बैंक है, स्टॉक है, फिर आपका डेटर है और फिर आपका बैंक है, ठीक है। स्टॉक हमारा, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, 80,60 और 10, 80,000, 60,000 और 10,000 का आपका बैंक में। अब आप दोनों साइड का क्या करोगे, यहाँ पे टोटल आप करोगे, ठीक है, दोनों साइड का टोटल करोगे तो भाई बैलेंस शीट आपकी
मैच हो जाएगी, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो टोटल जब आप करोगे तो 6,04,000 आएगा आपका आंसर, 6,04,000। तो इस तरह से आपका ये फुल फ्लैज क्वेश्चन आपका गिवन है, जिसमें हमने रिवेल्युएशन अकाउंट भी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाए, बैलेंस शीट भी हमने बनाई, ठीक है, वर्किंग नोट में भी हमने जो न्यू रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो है, वो हमने निकाला, और फिर किस तरह से जो आपका न्यू रेशियो, जो आपका गेनिंग रेशियो आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोगों का जो चैप्टर है ना, आप लोगों का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करा दूं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसी के साथ ही ना एक छोटा सा टॉपिक ये है, अगर आप कहो तो मैं आपको कराऊं, वैसे ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये जब आपका व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स के अंदर, तो उस केस में हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे। जैसे अब हमने जो बैलेंस शीट बनाई, तो इसमें हमने रिवाइज्ड वैल्यू दिखाई, रिवाइज्ड वैल्यू दिखाई ना, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में जो लैंड है वो 1 लाख की गिवन थी, और अब हमने रिवाइज्ड किया तो हमारी जो लैंड की वैल्यू है वो 1,60,000 आई, तो हमने यहाँ पे 1,60,000 दिखाया। ऐसे ही क्रिएटर को हमने 12,000 से कम दिखाया, ठीक है, बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगा के। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो बुक्स में रिकॉर्डिंग की है वो रिवाइज्ड वैल्यू पे की है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है कि जब आप रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्डिंग नहीं करते, तो रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्डिंग नहीं करने का मतलब क्या है कि भाई लैंड को आप 1 लाख से ही दिखाओगे, बिल्डिंग आपके 1 लाख की तो 1 लाख पे ही दिखाओगे, क्रिएटर्स आपके 1 लाख थे तो 1 लाख पे ही दिखाओगे। इट मीन्स आपने रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करी। बस आपका ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका बचा हुआ, तो ये भी मैं आपको बता ही दूंगी, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, सब कुछ करके चलेंगे, ठीक है। और बीच में एक दो क्वेश्चन और सोच रही हूँ मैं आपको, एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कर ले, और उसके बाद ये रिवाइज्ड वाला, और फिर आपका ये जो चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हो ही गया कंप्लीट, आपका ये हो चुका, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम सब कर चुके, और आज हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट उनको अप्लाई भी कर लिया, एक बड़ा क्वेश्चन भी कर लिया, तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो एक दो लेक्चर और इस पे देके, तो जो भी थोड़ा बहुत और बचा है, थोड़ा सा और हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये चैप्टर, तो इस तरह से हम कर लेंगे, और फिर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर कोई बच्चा अब इस टाइम तक अगर इस वीडियो तक आया है तो भी लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको करा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।